मैं इस समय भारत माता चौक पे खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रघुनाथ बाजार की वीरानी। ये कोविड-19 के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड वेव जब से आई है कोविड-19 के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कल के आंकड़ों की बात करूं तो जम्मू डिवीज़न में ही सिर्फ 1800 से जो केसेस थे वो ऊपर बढ़ गए थे और आए दिन मौतों का जो आंकड़ा है वो भी रुक नहीं रहा है। हाल ही में आज ही डिप्यूटी कमिश्नर जम्मू ने ये नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने 4 नए जो प्राइवेट नर्सिंग होम थे और नए जो हॉस्पिटल्स थे इनको एक्वायर करने की बात करी थी। टाइम के साथ अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इनको इन हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर सकते हैं। उस 4 के आंकड़े में 2 और हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, पहले BN हॉस्पिटल कैनाल रोड, SDDM छन्नी हिम्मत और अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल थे, मेडिकेयर नर्सिंग होम गांधीनगर थे। उसके अलावा 2 और हॉस्पिटल्स को इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, जिसमें महर्षि दयानंद हॉस्पिटल है एक और JK मेडिसिटी जो हॉस्पिटल है उसे एक्वायर करने की बात गवर्नमेंट ने कही है कि 50% कैपेसिटी के साथ इन्हें एक्वायर किया जाएगा। कोविड-19 के हालात जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि आज जो है 10 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए, और इसी के साथ साथ ये जो व्यापारी हैं इस बाज़ार में हर दिन करोड़ों का व्यापार जो होता था इन व्यापारियों को वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिर्फ इन बर्दाश्त करना पड़ रहा है वनिता जी कारोबारियों को, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये वही बाज़ार है जिस बाज़ार में पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलती थी, और आज ये आप देखिए ये वीरानी है इस बाज़ार की, और ये वीरानी साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि अगर हमने कोविड-19 के SOPs का पालन किया होता, सरकार सीरियस रही होती, गंभीर रही होती, सरकार ने जीत से पहले ही जीत का बिगुल नहीं बजाया होता, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा होता, तो शायद आज ये बाज़ार खुला होता, शायद आज दवाइयों की दुकानों पर रश नहीं होता, और शायद आज पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लोगों को रोक कर ये नहीं पूछना पड़ता कि आप जा कहाँ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये इस समय किसी कंस्ट्रक्शन साइट से काम करके वापस आ रहे हैं। तो करोड़ों रुपए का नुकसान जम्मू के कारोबारियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जम्मू के फार्मास्यूटिकल वाले हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग हों, जम्मू में बाकी कारोबारी हों, तमाम लोग अभी भी सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह के सूरत हाल देखे जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सरकार को ये लग रहा है कि शायद ये जो रिव्यू अगर ये करेंगे, सिचुएशन को रिव्यू करें, तो ये जो लॉकडाउन है इसे 15 मई तक एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं 2019 ऑनवर्ड्स ये नुकसान जो है ये बर्दाश्त कर रहे हैं, वो चाहे फिर आर्टिकल 370 के हटने के बाद का नुकसान हो या फिर कोविड-19 का नुकसान हो, ये नुकसान इन्हें कंटिन्यूसली देखा जा रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं इस नुकसान को 2019 ऑनवर्ड्स। और अभी भी ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो रोकथाम उन पे नहीं लग रही है, कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जितने जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक फिगर आगे बढ़ जाती है। पहले 4000 केसेस आ रहे थे, अब 5000 आ रहे हैं, अब 6000 को केसेस टच करने लगे हैं, जिसका मतलब साफ ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से कोई ढील हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ढील हो रही है। प्रशासन अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, वो आए दिन दिखता है। जैसे आज प्रशासन ने ये फैसला किया है कि वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट नर्सिंग होम्स को कंटैक्ट करेंगे, उनको कंसल्ट करेंगे, उनको टेक ओवर करेंगे 50% कैपेसिटी के साथ। लेकिन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है, जो फैमिली जो फंक्शंस हैं, जो वेडिंग हैं, इनको रोका जा सकता है। अगर सिर्फ वेडिंग की बात है तो अगर सिर्फ 4 लोग जाके वो शादी अटेंड कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि बाकियों को भी जाना है, उनको इन्फेक्शन घर लानी है, अपने आप को अपने परिजनों को इन्फेक्ट करना है। कोविड-19 से बचने का ये जो सेकेंड वेव है जिसमें डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो हाईली स्प्रेडेबल है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा डेडली है। इसमें लोगों को समझना होगा कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उन्हें उठानी पड़ेगी, और घर से वो बाहर ना निकलें जब तक ज़रूरी काम ना हो, मास्क प्रॉपरली पहने और पूरी SOPs का फॉलो करें जब तक वो बाहर जाएंगे। वंदिता जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार को लेकर कि सरकार फैसला लेने में समय लगाती है बहुत। हमने बहुत सारी जगहें दिखाई जिनको आप कोविड केयर सेंटर्स में बदल सकते हैं, लेकिन कब बदला जाएगा वो देखना होगा।
लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि करोड़ों रुपए का नुकसान इस समय कारोबारियों को हो रहा है। इसके लिए सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। सरकार इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जब SOPs को डाइल्यूट करने की बारी आई तो बड़े भयंकर तरीके से डाइल्यूट किया गया। और दूसरी तरफ मैं और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शादी में जा रहे हैं, एक आदमी शादी में जाता है और 15 लोगों को बीमार करके नहीं बल्कि 150 लोगों को बीमार करके वापस आएगा। इतना भयंकर इस वायरस का फैलाव है। लोग कह रहे हैं वायरस एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। मौतें ज़्यादा नहीं हो रही हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप ये देखिए आप लोगों से आइए, मुझे लगता है अधिकारी से पूछना चाहिए कि लोग क्या बहाने बना रहे हैं। सुनिए आप इनसे। बाकी लोग बहाने बना रहे हैं, हम मेडिकल दिखाने के लिए चेकअप पर्ची दिखाते हैं, मेडिकल की पर्ची दिखा रहे हैं। हाँ। हम इनको वार बार करें अपने घरों से मत मार निकलिए, बिना मतलब ऐसे घूम रहे हैं कि पर्ची लेके मेडिकल की जी हम दवाई लेने के लिए आए हैं। कभी कोई बोलता है मैं यहाँ से दवाई ले, कभी कोई मैं इसको तकलीफ है जी डॉक्टर को दिखाने के लिए आए, पर्ची लगाते हैं वो बहानेबाजी। सख्ती करते हैं किसी के साथ तो क्या करते हैं? सख्ती करते हैं तो बदतमीजी पर आ जाते हैं जी, हमें परेशान कर रहे हैं आप लोग। एक तो हम बीमार हैं, आप हमें परेशान कर रहे हो, एक लोग कोरोना से परेशान हो चुके हैं, एक आप पर पुलिस परेशान कर रही है, हमारे साथ लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये नहीं पूछते जब आप शादी में जा रहे थे, जब आप ब्याह में जा रहे थे, जब आप सारे फंक्शन अटेंड कर रहे थे, जब आप बीमार होते तब आपको ख्याल नहीं? हम इनको पूरी तरह कहते हैं देखो हॉस्पिटल में जाके क्या कंडीशन बनी है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या कर रही है, पर आप लोग अमल करते ही नहीं। उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हम फिर भी सख्ती करके उनको वापस कर देते हैं, चलो भाई अपने घरों वापस जाओ, लेकिन फिर भी वो बदतमीजी पर आ जाते हैं। काफ़ी लोग बदतमीजी करने पर आ जाते हैं और यहाँ तक उसे हमारे काफ़ी पुलिस अफसर भी को गाली निकालते हैं, देखो जी आप जबरदस्ती हमें कर रहे हैं, अंदर बंद कर रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें कहीं जाना है। बस झूठा रे बहानाबाजी देते लोगों में, बहानाबाजी बहुत ज़्यादा जनाब। इस भयंकर स्थिति में 52 लोगों की मौत हो रही है, लोगों को हम इनको बता भी रहे हैं, दिल्ली की कहानी बता रहे हैं इनको, GMC में जाकर देखो भाई लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की हालत क्या, आप अपने घरों में रहो, गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या कर रही है, लोग मान नहीं रहे। तो देखा आपने, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी तैनात हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि उन्हें भी तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक ज़रूरी काम ना हो। हाँ, अगर ज़रूरी काम है, आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई बीमार है तो आप अस्पताल जा रहे हैं तो जाइए बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं या वैसे ही कहीं शहर पर निकले हैं, चलिए रिलेटिव के घर हो आते हैं, लॉकडाउन है, वो मत करिए, क्योंकि आप अपने साथ साथ बाकी के लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। और प्रशासन का और जो पुलिस कर्मी यहाँ तैनात हैं उनके ऊपर जो आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे वो अलग।